हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम वैशाली, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू और वेलकम टू योर क्लासेस। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, हमने अपनी लास्ट क्लास में डिड का यूज सीखा था और जो हमारे आज की जो क्लास है उसमें हम सीखेंगे यूज ऑफ विल। विल का यूज सीखने के साथ साथ हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी भी सीखेंगे। फ्यूचर पॉसिबिलिटी यानी फ्यूचर में जो हम वर्क करते हैं वो हमें तो नहीं 100% श्योर हो, इसलिए हमारे कुछ पॉसिबिलिटी होती है, जैसे कि 75% कर सकते हैं हम वो काम या 25% कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, या 100% श्योर हो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी फ्यूचर पॉसिबिलिटी होती है फोर। फोर फ्यूचर पॉसिबिलिटी होती है, उनका यूज हम सीखेंगे कैसे और कहाँ करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिएगा फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, विल मे, विल मे माइट एंड विल नॉट, ये आपकी फोर पॉसिबिलिटी है। विल मे माइट एंड विल नॉट, विल का यूज हमें करना है 100% के लिए, एंड मे का यूज करना है 75% के लिए, माइट का यूज करना है 25% के लिए, विल नॉट जहां आपको बिल्कुल भी वहां कोई संभावना नहीं हो, नहीं करना है, मतलब आपको काम नहीं करोगे, ठीक है, तो वहां हम यूज करेंगे विल नॉट। विल का यूज हम करना है 100% जब हम श्योर हो वही करना है विल का यूज, एंड मे का यूज करना है जब हम वो काम 75% चांस हो एंड 25% चांस हो तब हम करेंगे माइट का यूज। विल नॉट तो आपको पता है जहां पर हमें बिल्कुल वो नहीं करना है काम, तो हम वहां करेंगे विल नॉट का यूज। देखिए आपने ग्रामर लैंग्वेज में आई के साथ शैल का यूज करा होगा, आई और बी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बट यहाँ हमारा ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं होता है, हमें यहाँ पर बिल का यूज ही करना है, हमें अपने स्पोकन में बिल का यूज ही करना है, शैल से कोई मतलब नहीं है। हमने अपने टाइम वर्ड में भी बताया था बिल का यूज ही करना है, शैल का यूज हमें नहीं करना है। हमने ग्रामर लैंग्वेज में पढ़ा है आई और बी के साथ शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम बिल का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ हम आई के साथ भी बिल का यूज कर रहे हैं। देखिएगा आई विल सेटल इन अ मेट्रो सिटी, मैं मेट्रो सिटी में सेटल हो जाऊंगी, ठीक है, मैं अपने फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि मैं जो हूँ मेट्रो सिटी में सेटल हो जाऊंगी। तो आई विल सेटल इन अ मेट्रो सिटी, या मुझे टाइम देना है नेक्स्ट ईयर, हम यहाँ नेक्स्ट ईयर ऐड कर देंगे, नेक्स्ट ईयर आई विल सेटल इन अ मेट्रो सिटी नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल मेट्रो सिटी में सेटल हो जाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ मैंने बिल का यूज किया है 100% श्योर हूँ अपनी बात से, लेकिन मुझे यहाँ पर सेकंड पर्सन से कंफर्म करना है बिल का यूज करना है, मैं विल जो है वो हमारा बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमारा टाइम वर्ड है बाहर आ जाएगा। विल यू सेटल इन मेट्रो सिटी, क्या तो मेट्रो सिटी में सेटल हो जाओगे, हमें सेकंड पर्सन से क्वेश्चन करना है, तो विल यू सेटल इन मेट्रो सिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें पॉसिबिलिटी चेंज करनी है, हाई कर लिए और लो कर लिए। देखो आई मे सेटल इन अ मेट्रो सिटी, जो सेकंड पर्सन से हमने क्वेश्चन करा वो आंसर बोल रहा है आई मे, मतलब वो 75% चांस है उसके कि वो 75% चांस है कि वो मेट्रो सिटी में सेटल हो जाएगा, बट माय फ्रेंड, लेकिन ये उसका सेकंड पर्सन का जो फ्रेंड है वो विल सेटल इन अ मेट्रो सिटी डेफिनेटली, लेकिन जो उसका फ्रेंड है वो 100% श्योर है कि वो तो डेफिनेटली निश्चित ही मेट्रो सिटी में सेटल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने पॉसिबिलिटी कम कर रहा है और ज्यादा कर लिए, यानी 75% चांस है इसके और इसकी जो है वो पूरे 100% चांस है। इस तरह से हम अपनी पॉसिबिलिटी हाई कर सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं, हमें अपने चांस बताने हैं, अगर बिल्कुल 100% श्योर है तो आप बिल्कुल विल का यूज करेंगे एंड 75% मे का। अब यहाँ पर अगर इसके 75% चांस होते तो हम इस तरह से बोलते आई मे सेटल इन मेट्रो सिटी बट माई फ्रेंड माइट, 75% के लिए हम करेंगे माइट का यूज, बट माई फ्रेंड माइट सेटल इन मेट्रो सिटी, फिर हम डेफिनेटली नहीं बोलेंगे, ठीक है, जब हम श्योर हो उस चीज से तभी हम डेफिनेटली बोलेंगे निश्चित थे, ठीक। देखिए सेकंड एग्जाम्पल है आई विल डू द कंप्यूटर कोर्स, मैं कोई कंप्यूटर कोर्स करूंगी, ठीक है, आई विल डू द कंप्यूटर कोर्स, ओके। अब मुझे यही वाला क्वेश्चन सेकंड पर्सन से बोलना है विल यू डू द कंप्यूटर कोर्स,
और ऊपर ही बोलेंगे हम विल यू डू द कंप्यूटर कोर्स, क्या तुम कोई कंप्यूटर कोर्स करोगे। देखिए आप सपोज एक वो पूरा 100% श्योर होके करेगा तो कैसे बोलेगा यस आई विल डू कंप्यूटर कोर्स डेफिनेटली, यस आई विल डू द कंप्यूटर कोर्स डेफिनेटली, बट माई फ्रेंड शानू माइट डू द कंप्यूटर कोर्स, लेकिन उसकी फ्रेंड शानू है उसकी 25% चांस है। यहाँ पर अगर आपको बिल्कुल मना करना है बट माई फ्रेंड शानू विल नॉट, नेगेटिव आंसर दे रहा है तो विल नॉट, बट माई फ्रेंड शानू विल नॉट डू द कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ पॉसिबिलिटी बतानी है आपको वो काम बिल्कुल डेफिनेटली करना है तो मिल का यूज करेंगे, 75% चांस है तो मिल का यूज करेंगे एंड 25% चांस है तो माइट का यूज करेंगे, और नहीं करना है तो विल नॉट का यूज करना है। तो देखिए एक्शन देखते हैं हम कुछ, मिस द क्लास, माई फर्स्ट एक्शन है मिस द क्लास, क्लास को मिस करना। सेकेंड कम लेट, देर से आना। वॉच मूवी, मूवी देखना। गेट मैरिड, शादी करना। डू बिजनेस, बिजनेस करना। ऑफर नमाज, नमाज पढ़ना। क्रैक द एग्जाम ऑफ यूपीटीयू, किसी भी चीज का एग्जाम क्रैक कर देना, पास कर देना। रीड कॉमिक, कॉमिक पढ़ना। डांस इन द पार्टी, पार्टी में डांस करना। मीट नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी से मिलना। मेक मनी, धन कमाना। एंड स्टडी फर्दर, स्टडी फर्दर मीन्स आगे की पढ़ाई करना, आगे की पढ़ाई करने को बोलेंगे हम स्टडी फर्दर। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू ही एक्शन यूज करेंगे हम। आई विल सेटल इन मेट्रो सिटी, देखो यहाँ पर अब हमें एक एक्शन दे रही है। आई विल मिस द क्लास टुमारो, मैं कल क्लास मिस करूंगी। ठीक है, तो हमें क्या बोलना है, आई विल मिस द क्लास टुमारो, मतलब मैं डेफिनेटली करूंगी तो करूंगी, तो हम क्या बोलेंगे, आई विल मिस द क्लास टुमारो डेफिनेटली, मैं कल निश्चित ही क्लास मिस करूंगी। ठीक है, अब हमें सेकेंड पर्सन से पूछना है, क्या तुम भी करोगे, विल यू मिस द क्लास टुमारो, क्या तुम कल क्लास मिस करोगे। अब वो सेकंड पर्सन जो है वो आंसर देखो पॉसिबिलिटी चेंज करेगा अपनी, अगर उसके चांस से भी 25% कर सकता है, यस आई माइट, ठीक है आई माइट मिस द क्लास टुमारो, बट माय फ्रेंड, बट शी विल नॉट मिस द क्लास टुमारो, लेकिन जो उसकी फ्रेंड है वो बिल्कुल भी क्लास मिस नहीं करेगी, तो यहाँ विल नॉट कह दिया इसलिए वो डेफिनेटली हो गया वो नहीं करना है, तो नहीं करना 0% चांस है। ठीक है, सेकंड देखो कम लेट, देर से आना। आई विल कम लेट, अब देखिए परसों भी क्या लगाओगे आप, लास्ट में हमने पिछली बार बोला था डे बिफोर यस्टरडे, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, डे आफ्टर टुमारो, ये हो गई हमारी परसों की इंग्लिश, ये वो था हमारा जो बीत गया परसों और ये है जो आने वाला परसों है। ठीक है, डे आफ्टर टुमारो, आई विल कम लेट डे आफ्टर टुमारो, मैं परसों देर से आऊंगी। ठीक है, आई विल कम लेट डे आफ्टर टुमारो, विल यू कम लेट डे आफ्टर टुमारो, अब यहाँ हमें पॉसिबिलिटी बता रही है, सेकंड पर्सन अपनी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आंसर देगा। लेकिन थर्ड है हमारी वॉच मूवी, वॉच मूवी, आई विल वॉच मूवी नेक्स्ट मंडे, मैं अगले मंडे को एक मूवी देखूंगी, तो आई विल वॉच मूवी नेक्स्ट मंडे, विल यू वॉच मूवी नेक्स्ट मंडे, अब यहाँ आपको पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर देना है। आई माइट वॉच मूवी नेक्स्ट मंडे बट आई विल वॉच मूवी टुमारो डेफिनेटली, नेक्स्ट मंडे तो उसकी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन कल जो है वो कल जो देखने वाला है उसकी वो 100% है, वो डेफिनेटली देखेगा तो देखेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारी गेट मैरिड, शादी करना। हाँ तो आई विल गेट मैरिड, विल यू गेट मैरिड, क्या तुम शादी करोगे, विल यू गेट मैरिड, आई माइट गेट मैरिड, 25% चांस है मेरे, तो भाई तो आई माइट गेट मैरिड बट माय सिस्टर विल गेट मैरिड डेफिनेटली। ओके, आई विल डू बिजनेस, आई विल डू बिजनेस, विल यू डू बिजनेस, ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है। आई विल ऑफर नमाज, विल यू ऑफर नमाज, आई विल क्रैक द एग्जाम ऑफ यूपीटीयू, विल यू क्रैक द एग्जाम ऑफ यूपीटीयू, यहाँ आपको सभी एग्जाम एडमिट कर सकते हैं। रीड द कॉमिक, आई विल रीड द कॉमिक, विल यू रीड द कॉमिक, यहाँ पर आप टाइमिंग लगा सकते हो, कल देखेंगे परसों देखेंगे आफ्टर थ्री डेज आफ्टर फोर डेज नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट वीक नेक्स्ट संडे नेक्स्ट मंडे इन जनवरी फरवरी एस वाइज जो भी आपको टाइमिंग देना है वो आप यहाँ टाइमिंग दे सकते हो। ओके, डांस इन द पार्टी, नरेंद्र मोदी कहना है मैं नेक्स्ट अगले साल नरेंद्र मोदी से, तो आई विल मीट नरेंद्र मोदी नेक्स्ट ईयर, विल यू मीट नरेंद्र मोदी नेक्स्ट ईयर। ओके, मेक मनी, आई विल मेक मनी, विल यू मेक मनी,
हम अपनी सभी एक्शनों को विद टाइमिंग टाइमिंग के साथ हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ हमें पॉसिबिलिटी का ध्यान रखना है कि पॉसिबिलिटी हमारी कैसे हाई है, 100% तो आप बिल्कुल होंगे, थोड़ी सी उससे कम है तो 75 बोलेंगे एंड ज्यादा ही कम है तो 25 बोलेंगे। नहीं गए बिल्कुल आपको 100% बताएगा नहीं करना तो नहीं करना, तो आप वहां पर बिल्कुल विल नॉट का यूज करेंगे। यहाँ ध्यान रखना शैल का यूज नहीं करना है, आपको डायरेक्टली बोलेंगे आई आई ओके, जिस तरह से आई एम को बोलते हो आई इसको बोलेंगे हम आई आई बोल दीजिए। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।